वेलकम बैक टू आदित्य के स्टेटस ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। तो यार हम बेच रहे हैं 60 रुपए की घड़ी। ये चलेगा कि नहीं? दोनों दो तीन महीना भैया 60 वाली 80 वाली दो तरह की बढ़िया वाली प्राइस बताएंगे मैं अपन कितने का, ठीक है? ये आपको बता दूं, ये 7 नंबर मार्केट पूरा एंड तक का, ठीक है? कलर नहीं आएगा, इसका जाएगा गोल्डन पे चला जाएगा, वही जाएगा वो बता दो भाई। इसका कलर जाएगा गोल्डन, इसका नहीं जाएगा कलर, कॉपर वो नहीं जाता। मतलब इसका कलर नहीं जाएगा, ये कॉपर है क्या? ये दोनों का कलर नहीं जाएगा। 60 रुपए घड़ी लो, 60 में घड़ी लो, 150 वाली 60 में। सीधा स्मार्ट वॉच लेने काम करता हूँ, तो वहाँ से लाके कभी कभी माल बेचता हूँ, होलसेल के रेट है। अच्छा, तो गाइस 60 रुपए 60 रुपए यार, ये 60 वाली है, ये 70 वाली है, 60 में घड़ी लो भाई। तो भाई दिख रहा घड़ी कैसी लगी भाई? हाथ में लगेगी कि नहीं पहने के लिए? हाँ, देखो वैलेंटाइन डे गिफ्ट, वैलेंटाइन का गिफ्ट नहीं लेगा, ले दीपक को दूंगा, बोलूंगा दे दे, दीपक देगा इसको गिफ्ट। 60 वाली है, 90 वाली है, लेकिन हम उन प्राइस नहीं बताएंगे यहाँ कितने की। 60 में घड़ी लो भाई, 60 में एक नंबर चीज है, कलर नहीं आएगा। 60 वाली घड़ी चेक दी जाओ गाइस, 60 रुपए में घड़ी छोटी भाई, बहुत छोटी है भाई, ये वाली पकड़ना ना भाई, इसमें भी कोई देखिए, अगर स्मार्ट वॉच ले ले अंकल। बच्चे के हाथ में लग रही, बच्चे के हाथ वाली लग रही भाई, कस्टमर की लाइन लग गई, हमें बहुत सारे कस्टमर आ गए, चेक दी दौड़ गए, इतना छोटा बाकड़ा और इतने सारे कस्टमर, चेक दी दौड़ भाई, यहाँ से ले लिया घड़ी, वही ले लिया घड़ी, वो घड़ी ना नहीं लेंगे, एक दिन चलेगी दूसरे दिन बंद हो जाएगी, तो गाइस घड़ी कैंसिल, दूसरा कुछ देखते हैं। ये है संडे का दुकान, मालवनी का चिकन शॉप है भाई, संडे के दिन तगड़ी लाइन लगती है यहाँ पे देखो, और यहाँ पे ये पूरा पूरा 7 नंबर का, पूरा 7 नंबर का मार्केट है। अरे एक ही दुकान में जाएगा क्या? मैं आप लोगों को बता दूं, संडे का तो संडे का माहौल है ना, ऐसा रहता है ना हमारे इधर मालवनी 7 नंबर रोड पे, खतरनाक रहता है एकदम ट्रैफिक, और ज्यादातर ना बंगाली लोग क्या दिखा ना, चाइनीज में दिखाता हूँ, एक शॉप है दीपिका चाइनीज, बुड्ढी का बाल, दीपिका चाइनीज में ना भाई इतने सारे लोग है ना भाई, रहते ना आज के दिन तो पूरा एकदम गल्ला उसका, कम से कम पकड़ लो तुम्हारा 50-60 हज़ार का गला रहता है उसका एक दिन का। मेरे को रोड पे आज ले, आज पूरा भीड़ ही भीड़ है मार्केट में, पूरा भीड़ है भाई। ये फेमस है फिर भी कलेक्शन करके, तो देख सकते हो यार, ये देख सकते हो यार, चिकन के शॉप में तो तुमको भीड़ी भीड़ मिलने वाली है, हर एक चिकन शॉप में मच्छी का शॉप है, देखो ब्रांडेड मच्छी मिलती है यहाँ पे, ब्रांडेड देखो, ब्रांडेड मच्छी है ये, और यहाँ पे लगी हाथ गाड़ी में अखरोट, कैसा चच्चा अखरोट? 200 रुपये पैकेट, खुला वाला भी है क्या? खुला वाला भी चेक दिस आउट, पूरा होता नहीं है, हाथ गाड़ी में अंकल ड्राई फ्रूट लेके घूम रहे हैं। दुबई का खजूर है, दुबई का खजूर क्या बात कर रहे हैं? दुबई का खजूर है ये, देखो चेक दिस आउट, दुबई का खजूर, घर का खत्म हुआ क्या? वो अखरोट खत्म हुआ क्या घर का? दीपिका रेस्टोरेंट इधर ही मैंने आपको बुलाया था, और ये होटल है बड़ा वाला, यहाँ पे भी बहुत भीड़ रहता है। ये मेरे दोस्त का होटल है, ये चेक दिस आउट, सद्दाम भाई नाम है इनका। तो गाइस हम लोग रूम के लिए निकले थे रेंट पे देखने के लिए, क्या कि अपना घर टूटने वाला है, तो कम से कम 15-20 दलाल से मिले, नंबर मिले, गरीब नवाज देखो, ये गरीब नवाज है, गरीब नवाज होटल है मतलब, ये और कुछ नहीं,
ये बोला ना आपको पूरा मार्केट है देखो ना, पूरा लाइन जो होटल ही होटल है। तो सीन ये हो गया, आ जाए पे सीन ये हो गया कि हम लोग 25-15-20 दलाल लोग से मिले, रूम वगैरह देखे, इन सबका कॉन्टेक्ट लिए। तो अभी कल जाएंगे रूम देखेंगे, ठीक है, क्या है क्या सीन है, और पसंद आएगा तो फाइनल करेंगे फिर, है ना भाई। हाँ मज़ा आ गई बहुत घूमे आज। ये अपन अपने घर के रास्ते में निकल गए, मालवनी का बात ये लेके गए, देखो ना बिल्डिंग बना करेंगे, 5-5 माला। तो गाइस, अरे वहाँ कसम गाइस, इधर बन गया बैल। दूसरा वाला पहला गाइस, ये हरे कांदे की भजिया। दूसरा एक अंकल था बुंदा, ऊपर खाती है तो अभी वो 12 बजे का बात हुआ नहीं, कल पार्टी आएगी तो कल दिखेंगे क्या सुनो। बाकी आदित्य अपने इधर खेल रहा है। तो गाइस हमारा नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया, हम लोग जा रहे रूम देखने, अभी रेंट पे रूम देख के आए थे तो हमें पसंद आया, डिपॉजिट भाड़े वगैरह का हमने बात कर लिया, अभी मम्मी को लेके आएंगे, मॉम को दिखाएंगे, मॉम क्या बोलते हैं। एक्चुअली क्या मालूम है, सीन ये है कि रूम पसंद आया, सब अच्छा था, अंदर का सब स्ट्रक्चर, बाथरूम अपना, नहाने का, किचन वगैरह सब, बेडरूम वगैरह, सीढ़ी का प्रॉब्लम है उसमें थोड़ी, 10-12 सीढ़ी है, तो वही मम्मी को लेके जा रहे हैं सीढ़ी दिखाने, अगर उनको जमेगा तो डन कर देंगे, अदरवाइज तो। और गाइस एक और चीज, अपना ये पतंजलि का आ गया है, तो अभी बताओ मम्मी कितने का सामान है, ये तू भी बता लो कुछ। आंवला का जूस जो है ना, ये वाला ऐसा बॉटल में पहले मंगाई के पी हूँ, एक आंवला का, एक एलोवेरा का मंगाई थी तो 500 का दो आया था, 500 का दो आया था गाइस। कहाँ से मंगाए थे, कहाँ से मंगाए थे? पापा लेकर आए थे, पापा लेकर आए थे, पापा लेकर आए थे, ये पड़ेगा 1200 में पूरा शायद। जजमेंट एकदम 1200-1300 तुम हुएगा 1000 के अंदर ही, 1000 के अंदर ही। तो गाइस अब मैं बताऊंगा ये कितने का है, मेरा जजमेंट ये टोटल 600 रुपए का गाइस। इसमें बिल है, एक साइड ले, बिल निकाल, अभी मैं आप लोग को बिल दिखाता हूँ, बिल का निकाल, ये दिखा, दोनों का जजमेंट फेल हो गया है गाइस, ये 450 रुपए का है, किधर है 450, दोनों का जजमेंट फेल हो गया है। तो गाइस इधर बिल देख के हंसने लग गए लाए। गाइस वॉच दिस, वॉच दिस, 1 item 2 item 3 item 4 5 item ओनली इन 506, मतलब टैक्स उक्स पकड़ के 586। देख रहे गाइस क्या बोलते हैं, 586 का गाइस, यू कांट इमेजिन वी व्हाट अ 5 बोतल, 1 इज आमला जूस, 1 इज पाइनएप्पल लोना, और मम्मी बोल रहे 500 का दो सी भी ये लाते गाइस, अच्छा ऑफर लगाया तो मम्मी को लूट लिए। ये जो यहाँ से ऑर्डर किया, इसका लिंक आपको बायो में मिलेगा, आप लोग भी जाओ, और एकदम प्योर पतंजलि का है गाइस, प्योर उनके वेबसाइट से मंगाया, ये डायरेक्ट होलसेल से अपन ने मंगाया, डायरेक्ट होलसेल मटेरियल है, बाकी वो डिलीवरी चार्ज बाय कोरियर से आता है ना, ये उतने दूर से तो लोग डिलीवरी चार्ज लेते ही 80 रुपया, कुछ 70 रुपया 80 रुपया, वैसे और 1000 रुपए के ऊपर सामान मंगाओगे तो फिर वो भी नहीं लेगा। क्या है फजुआ, बाकी यहाँ से अंदर ये अपना बस जहाँ से निकलती है और ये रास्ता अंदर जाने का, रुक जाओ
गाने का। तो गाइस यहाँ से स्टार्ट होता है। तो गाइस ये सीढ़ी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 सीढ़ी। और ये अपना बैल्कोनी इतनी सी, प्लस ये अपना वॉशरूम। ये वॉशरूम है और वॉशरूम के ऊपर टाकी। तो चलते हैं अभी अंदर। ये अपना एंट्रेंस गेट, यहाँ से दिखाऊंगा। ये अपना विंडो, इधर स्विच है और इधर मीटर है। ये अपना पूरा हॉल, हॉल और ये अपना एक बेडरूम दिया छोटा सा, छोटा बेडरूम जिसमें ये दरवाजा लगा है। ये बेडरूम है, छोटा सा है बट अच्छा है। बाकी इधर किचन, किचन में सब कुछ है। कोटवाले में एक और टंकी, और इधर है नहाने वाला। ये सामान ऊपर क्या मुझे कैसा लगा? एकदम बहुत बढ़िया लगा सब, माशाल्लाह अच्छा लगा। और कह रहे हैं कि अच्छा रूम मिलेगा, मिलेगा तो बेल मिलेगा कि अच्छा। चलो आंटी आ सकते हैं, आराम से रह सकते इधर दोपहर बाद। फाइनली हमारा रूम का सिलेक्शन होगा, सबको पसंद आया भी देखते। चलो भगवान करे जल्दी अपने हाथ में इसकी चाबी आने वाली है। बहुत जल्दी चाबी आने वाली है गाइस। लग गए ये सब थोड़ी ना चेंज हो। तो फाइनली गाइस रूम देख चुके, रूम का टोकन भी दे दिए 500 रुपया, और वेट कर रहे शाम को दीपक के आने का, उसके बाद देखते फाइनल होगा फिर। तो गाइस बज रहा है 4:30 और हम लोग पहुंचे आदित्य के पास, लेकिन आदित्य के घर पे लगा ताला। ये देखो गाइस, ये देखो गाइस, हम लोग को मिलना था आदित्य से, श्वेता है नहीं, पता नहीं किधर है। तो हम लोग ने टोकन इकन दे दिए रूम का, टोकन दे दिए, हेलो टोकन दे दिए। तो श्वेता घूम गई, ए कैसा हिल रही है जैसे जैसा डिस्को में। गाइस क्या लेने गाइस? एक बात बताओ मम्मी, श्वेता बताने का नहीं, लोग सब बोल देते हैं। श्वेता बोलती है भाई ऑनलाइन एक टी शर्ट देखो ना, तो मैं पूछा क्यों, तो बोलती है दीपक को वैलेंटाइन डे में देने का है। ये चांद भाई का फोन है, क्या कर रहे हैं? ये चालू हो गया, 8:30 से चालू हो गए। तो गाइस फाइनली हम आ गए घर, और रूम का जो जैसे कि बताया था हमने, वो रूम देखा हमने, बट क्या है कि सेकंड टाइम मम्मी को लेके गया फाइनल के लिए, रूम फाइनल के लिए एग्रीमेंट बनाने के लिए। तो मम्मी सीढ़ी पे चढ़ रहे थे, तो ऑलरेडी पहली मीटिंग में जब गए थे ना तो पैर दुख रहा था उनका बहुत, तो सेकंड मीटिंग में गए तो और मतलब उनका पैर बहुत दुख रहा, तो हमें फिलहाल नीचे का रूम हमें देखना है, तो वो रूम हमने कैंसिल कर दिया।
क्योंकि मम्मी का देख सकते हो वेट, मम्मी ऊपर नहीं चढ़ पा रहे थे, पैर में तकलीफ हो रही मम्मी है ना, चल ही नहीं पा रहे। तो वो रूम कैंसिल किया हमने इस रीजन से, और भी रीजन थे दो चार, जैसे कि रूम ओनर जो था प्रॉपर मतलब कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा था, जो भी एक क्लियर बता रहा हूँ। ठीक है, तो अभी मैं जा रहा हूँ फिलहाल एक रूम के लिए, और तो ये वीडियो को यहीं पे मैं क्लोज करता हूँ। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट में बताना ये ब्लॉग कैसा लगा आप लोग को मालवनी का रूम का। ठीक है, इसका सेकंड बड़ा आपको मिलेगा, दूसरा रूम देखने जा रहा हूँ, वो फाइनल होगा तो उसके बारे में मैं आपको शेयर करूँगा।